तेज गर्मी झेलते लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने कहा है कि 13 मई के बाद राजस्थान को छोड़कर देश में कहीं भी लू चलने के आसार नहीं है। हालांकि 11 से 13 मई तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन 14 मई से तापमान में लगातार गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। तापमान में गिरावट की यह स्थिति 14 मई तक रहेगी। हालांकि उसके कुछ दिनों तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन केरल में मानसून के दस्तक देते ही पूरे मध्य भारत में प्री मानसून एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके साथ ही बारिश शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इस साल गर्मी से राहत की वजह पश्चिमी विक्षोभ है, जो 13 मई से शाम को अपना असर दिखाना शुरू करेगा। 11 से 13 मई तक बेशक 5 राज्यों में भयंकर लू चलने की आशंका है, लेकिन अप्रैल जैसी भीषण गर्मी नहीं पड़ेगी। मौसम विभाग के विशेषज्ञ आर के जेनामणि ने बताया कि 13 मई के शाम से पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, इससे तापमान में कमी आएगी। मई का तीसरा हफ्ता पहले दो हफ्तों की तुलना में काफ़ी गर्म रहेगा, क्योंकि 18 मई को एक और पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखाएगा। तीसरे हफ्ते के दौरान दक्षिण राज्यों में पूर्व उत्तर और उत्तर पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, इससे उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में तापमान नियंत्रण रहेगा। हालांकि चौथे हफ्ते में तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो जाएगी, जो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।